सगुरु आप भी जाओ वहां पर। देवताओं ने कहा, कहते हैं वरदान दे करके आज अंतर ध्यान हो गए प्रभु। इधर जैसे ही वरदान दिया है तो आज देवता बड़े प्रसन्न हुए। इधर जो कंस था उसका चाचा था देवक, देवक की जो लड़की थी देवकी, उसकी 7 बेटियां थी सबसे, और सबसे पहले कंस ने कहा कि अपने मामा के यहाँ गया और बोला, उनके मामा की 2 कन्या थी अस्ति और प्राप्ति। तो कहा है अस्ति प्राप्ति कि इन लड़कियों का विवाह मेरे साथ में कर दो। बोले ऐसे नहीं होगा। बोले कैसे होगा कि कुबलिया पीड़ जो हाथी है ना, अगर इसे जीत लोगे तो तुम्हारे साथ में हम विवाह जरूर कर देंगे। आज वहां पर जब उस कुबलिया पीड़ हाथी को जीत लिया तो दोनों बेटियों के साथ में विवाह हो गया। कंस वापिस आया अपने राज्य में, कुछ दिनों तक राज्य किया। उसके बाद में सोचा कि मेरे चाचा की जो लड़की है देवकी, वो शादी के योग्य हो गई। जवाब दिया इसके लिए कोई घर देखना है। तो 7 बेटी थी देवक के, जो 7 और 6 सबसे छोटी थी देवकी, 6 थी ना वो वसुदेव को विवाहित थी, और वसुदेव थे वो कंस के परम मित्र थे, बहुत अच्छे मित्र, बड़ी मित्रता थी। कंस के घर पे वसुदेव आते जाते थे। तो एक बार वसुदेव की नजर देवकी के ऊपर पड़ी, वो खाना खा रहे थे। कंस ने देखा और सोचा कि मैं अपनी बहन की शादी वसुदेव के ही साथ में करूंगा। शादी नाई पंडित को बुलाया, कहा जाकर के शादी पक्की कर दो। आज शादी पक्की हुई और कंस ने देवकी का विवाह किया। जब विदा हुई थी तो देवकी अपने भैया कंस के गले में गलबैया डाल के बहुत रोई। बोली भैया और का कही सुन ले